अब देखो, अब मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखो नंबर लाइन क्या होता है, जो नंबर्स की लाइन, जैसे ये मैंने क्या बनाया, लाइन बनाई, यहाँ पे क्या है जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फाइव, और ये आगे इन्फिनिटी तक है, और इधर होगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव। यहाँ पे बीच में क्या होगा, जीरो, जीरो के राइट साइड में क्या होंगे पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में क्या होंगे सारे नेगेटिव नंबर, और क्या होगा जीरो। अब देखो ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में जो लेंथ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है वन यूनिट, हर नंबर के बीच में क्या है सेम डिस्टेंस है और वो क्या है वन यूनिट। अब आपको यदि इस पर कोई नंबर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे आपको यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करना है फोर, तो फोर कहाँ पे है यहाँ पे, जैसे मैं ऐसा बोल दूँ कि टू रिप्रेजेंट, टू कहाँ पे है यहाँ पे रहा, जैसे आपको टू रिप्रेजेंट करना है तो टू यहाँ हो गया, जैसे फोर रिप्रेजेंट करना है तो फोर यहाँ हो गया, माइनस थ्री रिप्रेजेंट करना है तो माइनस थ्री कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसे आपको ये रिप्रेजेंट करना हो कि 1.5, तो 1.5 कहाँ होगा, वन और टू के बीच में होगा, वन और टू के बीच में होगा। और यदि मैं इसको जूम करता हूँ, इसको मैं ऐसे जूम करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0, इनके बीच में 1 और 2 के बीच में ये वाले इतने सारे नंबर। अब 1 और 2 के बीच में क्या नंबर से इनफाइनाइट नंबर है, बहुत सारे नंबर है, और 1.1 और 1.2 के बीच में भी क्या है इनफाइनाइट नंबर है, इन्फिनिटी नंबर, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ, क्या रिप्रेजेंट करना था 1.5, तो ये कहाँ पे हो जाएगा, इनके बीच में होगा और फिक्स बीच में होगा, क्या होगा 1.5। अब यदि आपको ऐसा करना हो कि 1.257 क्या है 1.257, अब देखो 1.2 तो 1.1 और 1.2 के बीच में क्या होगा 1.2, तो इसको अपन जूम करते हैं। देखो पहले क्या किया अपन ने, 1 और 2 के बीच को जूम किया। अब क्या करना है आपको, 1.2 से बड़ा है तो क्या है 1.25, तो इन दोनों को जूम करते हैं 1.2 और 1.3 को, तो 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, इस टाइप से 1.3 क्या हो जाएगा 1.21, 1.22, इस टाइप से 1.3 तक। अब वहाँ बीच में अपने पास में क्या आया 1.25 और 1.26। अब देखो ये जो नंबर है 1.257 है, तो ये किसके बीच में है 1.25 और 1.26 के बीच में। अब 1.25 एंड 1.26 इन दोनों को जूम करते हैं तो क्या बनेगा 1.251, 1.252, 1.253, 1.254, 1.256, 1.256, 1.257, 1.258 इस टाइप से, ठीक है। और आपको क्या चाहिए था 1.257, तो ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये आप कहाँ सीखोगे, नाइन्थ क्लास। अभी आपके इतना है कि यदि आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर गिवन है, यदि आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर गिवन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 2, क्या लिखा मैंने 1 अपॉन 2, तो जो 1 अपॉन 2 है कि 1 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता 0.5, क्या आता 0.5, मतलब 0 और 1 के बीच का नंबर है ना, क्या है 0 एंड 1 के बीच का। अब इसको अपन क्या करते हैं, 0 और 1 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 5 पार्ट, क्या करेंगे 5 पार्ट में, है ना। तो क्या होगा, पहले होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0.1 से लेकर चल रहे 2, 3, 4, 5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसके बीच में अपने को क्या था 0.5, तो ये कहाँ होगा, इनके फिक्स बीच में होगा, ठीक है। यदि आपको ऐसा करना हो कि 0.7, तो ये कहाँ होगा, ये उससे भी आगे होगा। यदि आपको ऐसा करना हो कि -5/2,
क्या करना हो, -5/2। तो -5/2 को पहले आप क्या करोगे, फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे अपन। तो -5 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड, और 1/2 क्या बना, -2 और 1/2। अब देखो मतलब ये कहाँ होगा, -2 और 3 के बीच में नंबर होगा। जो -5/2 है वो कहाँ पे होगा, -2 और 3 के बीच का नंबर होगा। अब देखो -2 एंड -3 के फिक्स बीच, हाफ का मतलब क्या होता है, फिक्स बीच में नंबर होगा। तो इनके फिक्स बीच का क्या होगा, जैसे माइनस यहाँ पे अपने 0.5 था, वैसे यहाँ पे क्या होगा, -2.5। क्या होगा, -2.5। तो यह कहाँ होगा, इनके फिक्स बीच में, जैसे अपन स्केल पे होता है ना, बीच में जो ऐसे लाइंस बनी हुई होती उस टाइप से, है ना। अब यदि आपको ऐसा प्रूफ करना हो इस पे, जैसे 3/2 और इसको अपन डिवाइड करते तो क्या आता, 1.5। अब देखो 1.5 तो 1 और 2 के बीच का नंबर होगा, 1 और 2 के बीच का होगा। तो यहाँ पे 1 है और इसके बीच में क्या होगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस टाइप से 2.0। तो यह कहाँ होगा, फिक्स बीच में होगा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 1.5 या 3/2, क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 3/2। अब यदि इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो, और एग्जांपल लेते अपन, जैसे 4/7, क्या लिखा मैंने, 4/7। अब देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, 7 नहीं हो रहा, मतलब ये जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। यदि 7/4 होता है तो देखो 7 को अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो 1/3/4 आता रिजल्ट। तो ये 1 से बड़ा होता और 2 से छोटा होता, तो अपने पास में क्या है, 4/7। तो अपन क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में, जैसे यहाँ पे अपन मानते हैं कि यहाँ पे अपना 0 है और यहाँ पे क्या, 1। अब 0 और 1 के बीच में क्या है, 4/7। तो जो नंबर्स हैं 0 और 1, इनको अपन क्या करते हैं, 7 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो 7 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बीच में कितने पॉइंट आएंगे, 6 पॉइंट आएंगे। अब इसको आप लिखो 0/7, इसको लिखो आप 1/7, फिर इसको लिखो 2/7, इसको लिखो आप 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 और 7/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अपना क्या था, 0, और यहाँ पे क्या था अपना, 1। यहाँ पे देखो यहाँ पे था अपना 0 और यहाँ पे क्या था, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया, 0 से लेके 1 तक आपको 7 पार्ट करने हैं, तो कितने पॉइंट आएंगे बीच में, 6 पॉइंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट आ गए। अब देखो 0 था उसको अपन 0/7 लिखेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको 1/7, फिर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 क्या हो जाएगा, लास्ट में 1 हो जाएगा। वो कहाँ पे आएगा, 1 वाले पॉइंट पे आ जाएगा। अब अपने को क्या रिप्रेजेंट करना है, 4/7, तो 4/7 कहाँ होगा, ये रहा 4/7। अब यदि आपको ऐसा 2/7 रिप्रेजेंट करना हो, तो 2/7 कहाँ पे हो जाएगा, इस टाइप से इनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो जब आपको ये रिप्रेजेंट करना हो, 8/3 और 8/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 2/3। अब देखो ये मैंने क्या बनाई, नंबर लाइन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 इधर क्या होगा, नेगेटिव में, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, इसको और आगे भी ले सकते हैं। अब देखो 8/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 2/3। अब इसके लिए आपको कहाँ से लेना है, 0 से लेके चलना है, 0 से। अब देखो ये 8/3 है ना, ये किसके बीच में, 2 से बड़ा है, मतलब 2 और 3 के बीच का नंबर है, 2 और 3 के बीच का नंबर है। तो इसको अपन यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके, 0 से लेके 3 तक के जो नंबर है, इनको आपको जो नंबर लाइन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 पार्ट में। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 0/3, क्या लिखेंगे इसको, 0/3, और ये हो जाएगा अपना 0/1/3,
ये हो जाएगा अपना 2/3। अब देखो यहाँ पे जो 1 है उसकी जगह क्या आएगा 3/3, तभी तो 1 बनेगा। क्या किया मैंने, 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3, तो ये क्या बन जाएगा 1। अब 4/3, 5/3, अब देखो यहाँ पे 2 आ रहा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6/3, क्या बन जाएगा यहाँ पे 6/3, फिर 7/3, फिर 8/3, फिर जो 3 है वो क्या बन जाएगा 9/3, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 9/3। मैंने क्या किया, देखो 8/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 and 2/3। अब देखो जो 8/3 है वो कहाँ से किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, तो अपन क्या करते हैं 0 से लेकर जो 3 तक के नंबर हैं उसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 0 को क्या लिखेंगे अपन 0/3, फिर 0 के जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसको अपन 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3, 3/3 क्या बनता है 1, तो जो बीच में अपने 1 था वो क्या बन जाएगा 3/3, फिर जो 2 था वो क्या बन जाएगा 6/3, जो 9 है, जो 3 है वो क्या बन जाएगा 9/3, और अपने को क्या चाहिए 8/3, तो 8/3 कहाँ पे होगा, इस जगह होगा, 8/3 कहाँ पे होगा, इस जगह होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं इस पर, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 7/2, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं 3 and 1/2। अब देखो ये तो अपन जानते हैं कि ये 3 और 4 के बीच का नंबर है, और 3.5 इसको अपन लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि अपन जो अभी फर्स्ट अभी जो पिछले में क्वेश्चन में किया था उस मेथड से करना चाहे इसको, तो कैसे करेंगे देखो, अब देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको, 0 से लेके जहाँ तक किसके बीच में है, ये 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो 0 से लेके 4 तक के नंबर को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये अपना क्या बन जाएगा 0/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0/2 मतलब 0, फिर ये क्या बनेगा 1/2, फिर जो 1 है इसको अपन लिखेंगे 2/2, क्या बन गया ये 1 बन गया, 2/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, फिर ये क्या बनेगा 3/2 क्या बना 1.5, फिर क्या बनेगा 4/2 क्या होता है 2 होता है, देखो ये 2 के साथ में आ रहा है, फिर 5/2, फिर 6/2 क्या बनता है 3 बनता है, ये देखो 3 के साथ में आया, फिर क्या बनेगा 6 के बाद में 7/2, फिर क्या बनेगा 8/2, 8/2 से क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 7/2, तो 7/2 कहाँ पे होगा, इनके बीच में होगा, ठीक है। इस टाइप से आप नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यदि आपको 2 नंबर्स गिवन है तो इनके बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इनको, अब मैंने यहाँ पे आपको लिखा फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे उनके बीच के आपको यदि रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो कैसे करोगे। जैसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, देखो ये अपनी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 2, -1, -2। यदि आपको 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करते हैं तो अपन ये जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, ये सारे इसी के बीच के होंगे। यदि मैं आपको ये बोलूं कि 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं तो आप क्या बताओगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये इसी के बीच के नंबर। अब यहाँ से अपन पॉइंट हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा अपॉन में सबके, और ये क्या हो जाएंगे, ये सारे इनके बीच के नंबर होंगे, तो 11/10, 12/10, 13/10, ये सारे क्या इसके बीच के नंबर। तो ये सबसे इजी मेथड यदि आपको ओरल बताना। यदि ऐसा हो कि ये फ्रैक्शन में हो, यदि आपको ये फ्रैक्शन में गिवन हो कि 3/4 and 1/2, क्या क्वेश्चन है अपना 3/4 and 1/3 and 1/2 किसके बीच में है 1/3 and 1/2, इनके बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तब आप कैसे करोगे। जैसे ये तो अपन नॉर्मल कर सकते हैं, यदि आपको फ्रैक्शन 1/3 and 1/2 गिवन है, इनके बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको, 1 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। देखो यदि ऐसा हो, ये अपनी नंबर लाइन है, यदि आपको मैं बोलूँ कि 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है तो मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 1 और 2 को ऐड किया, क्या है रिजल्ट 3, 3 को यदि मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट आएगा 1.5, और जो 1.5 होगा वो इसके बीच का ही नंबर होगा। तो सेम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या होगा 1/3, ये मैं इसके लिए एग्जाम्पल है,
वन अपॉन थ्री एंड वन अपॉन टू, इनके बीच का आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके किससे डिवाइड करना है, टू से डिवाइड करना है। ये जो फर्स्ट मेथड है वो यही है कि दोनों नंबर जो गिवन है उन दोनों नंबर को ऐड करो और फिर क्या करना है, उसको टू से डिवाइड करना है। ये आपको वन रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, सिक्स, और सिक्स को थ्री से डिवाइड, टू, और टू प्लस थ्री तो क्या बना, फाइव अपॉन सिक्स, और अपॉन में कितना है, टू, तो ये जो टू ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन टू, क्योंकि इसके अपॉन में भी क्या होता है, वन। तो फाइव को वन से मल्टीप्लाई किया, फाइव सिक्स को टू से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आएगा, फाइव अपॉन ट्वेल्व। जो फाइव अपॉन ट्वेल्व है वो इनके बीच का क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। यदि आपको और इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो देखो क्या होगा, जैसे ये अपना क्या था, यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन ले लेते हैं ये वन अपॉन थ्री, और यहाँ पे क्या है, वन अपॉन टू, क्वेश्चन में यही था वन अपॉन थ्री और वन अपॉन टू। अब आपको इनके बीच का एक नंबर क्या मिल गया, 5.12। तो अब यदि और इनके बीच के यदि आपको नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप क्या कर सकते हो कि अपने को ये मेथड पता है कि दो नंबर को ऐड करके टू से डिवाइड करेंगे तो इनके बीच का नंबर आएगा। अब अपन ने इनके बीच का नंबर क्या निकाल लिया, 5.12। अब यदि मैं वापस ऐसा करूँ 1/3 और 5.12 को ऐड करके फिर टू से डिवाइड करूँगा तो इनके बीच का ही नंबर आएगा। तो अपन इस मेथड से अपन निकाल सकते हैं। और सेकेंड मेथड देखो, अब यदि आप सेकंड मेथड यूज करना चाहते हो तो देखो क्या है कि आपको n रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच में, x एंड y के बीच में। तो फॉर्मूला क्या है, x और जो n नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 ऐड करना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसा आपको 4 एंड 5 के बीच का n रैशनल नंबर बोले तो 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। ये अपना क्या n है, ठीक है, n क्या मैंने यहाँ पे 3 लिया, 4 एंड 5 के बीच के n रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे क्या है, ये x हो गया, ये क्या हो गया अपना y हो गया। तो 4 3 में 1 ऐड करेंगे अपॉन 3 प्लस 1, और सेकंड नंबर क्या है अपना 5 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1। अब देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 अपॉन 4, इधर क्या बनेगा, 4 इंटू 5 20 अपॉन 4। इनके बीच के आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो 16 अपॉन 4 और 20 अपॉन 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, इनके बीच के नंबर 16 अपॉन 4 को बीच, बाद में 17 अपॉन 4, 18 अपॉन 4, 19 अपॉन 4 और ये 20 अपॉन 4, ये इनके बीच के क्या है, 3 रैशनल नंबर, ठीक है। यदि आपको 4 रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो 4 प्लस 1 करते, यदि 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप क्या करते, 5 प्लस 1। इस टाइप से अपन इनके बीच के रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्या किया, जो नंबर है उसको लिखा, फिर जितने नंबर फाइंड करने हैं उसमें प्लस 1 किया, अपॉन में भी ऐसा किया, फिर जो नंबर अपने पास में आ गए टू नंबर 16 अपॉन 4 एंड 20 अपॉन 4, उनके बीच के अपन नंबर इस टाइप से लिख दिया। देखो 16 के बाद में 17, फिर 18 और 19, फिर 20 अपने पास में है पहले से। देखो थर्ड मेथड में क्या है, थर्ड मेथड को अपन देखते हैं। देखो फाइंड एन रैशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, तो मैं यहाँ पे 4 एंड 5 लेके चल रहा हूँ। ये अपना क्या एक्स है, ये 5 क्या अपना वाई है, ठीक है। इनके बीच में अपने को फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर, कितने, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, एन हो गया, एन अपना क्या ले लिया अपन ने, 5। अब देखो इसमें कैसे यूज करना है, आपको फर्स्ट में डी फाइंड करना है, ठीक है। यह इसके लिए क्या है फॉर्मूला, पहले आपको डी फाइंड करना है। डी कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 5 माइनस 4 क्या करना है, y माइनस x, मतलब जो दोनों नंबर से उनका डिफरेंस फाइंड करना है, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या आएगा, 5 अपॉन 1, 5 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1, तो क्या आया इनका डिफरेंस, 1 अपॉन 6। अपने पास में d कितना आ गया, d आ गया अपने पास में 1/6। अब जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, x प्लस d, फर्स्ट वाला नंबर होगा x प्लस d, x प्लस d मतलब जो 4 है उसमें क्या करना है आपको, 4 प्लस 1/6, 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे, 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 24, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1, और ये आ जाएगा 1, 25 अपॉन 6, क्या आ गया, 25 अपॉन 6। अब सेकंड देखो, सेकंड होता है x प्लस 2d,
तो 4 upon 1 plus 2d, मतलब इसको जो d है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 upon 6 हो जाएगा और LCM इनका आ जाएगा 6, ये बन जाएगा 24 plus 2, तो क्या बन जाएगा 26 upon 6, और ये इस टाइप से क्या आते जाएंगे 25 upon 6, 26 upon 6, 27 upon 6, इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हो। और सबसे इजी जो मेथड है वो ये मेथड है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। फिर और उससे भी इजी ये है, क्या है कि उन दोनों नंबर्स को आप पहले फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज किया और बड़ी फ्रैक्शन में, जैसे अपने पास में क्या था 4 and 5 था, तो अपन ने उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसका यूज किया, और अब अपने पास में क्या बन गया 16 upon 4 और 20 upon 4। अब इसको अपन इजीली इनके बीच के नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि डेसिमल, डेसिमल के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। देखो जैसे यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिखूँ 1 upon 2, ठीक है, क्या लिखा मैंने 1 upon 2, कि 1 को अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0.5, मतलब डिवीजन कंप्लीट हो गया और पॉइंट के बाद में जो नंबर आ रहा वो कंप्लीट हो गया, इसके बाद में अब कुछ नहीं आएगा। जैसे ऐसा हो कि 3 upon 2, क्या आएगा 1.5, देखो पॉइंट के बाद में डिवीजन कंप्लीट हो गया और नंबर ख़त्म, अपना डिवीजन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या है टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब तो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सारे रैशनल नंबर, ठीक है, क्या होंगे रैशनल नंबर्स। जो टर्मिनेटिंग जिनका डेसिमल होगा वो सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो 1.5 को पॉइंट हटा के अपन क्या लिख सकते हैं 15 upon 10, और ये कट होकर क्या बन जाएगा 3 upon 2, और इसको भी क्या लिख सकते हैं अपन 5 upon 10, और 5 upon 10 क्या बन जाएगा 1 upon 2। और इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, सारे रैशनल नंबर होंगे। आपको क्या समझ में आया कि जो जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है वो नंबर्स क्या होंगे, सारे रैशनल नंबर होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.0.567, ये भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा, 0.137 ये भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा, 1.37 ये भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा, जैसे 8.67 ये भी क्या होगा रैशनल नंबर होगा। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो ख़त्म नहीं होता डिवीजन। जैसे ऐसा लिख दिया मैंने 10 upon 3। अब देखो 10 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 10 को मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो कितने टाइम 3 टाइम 9, फिर 1 बचा पॉइंट, फिर 10 हो गया, फिर 3, फिर 9, फिर 1, इस टाइप से ये इस टाइप से चलता रहेगा, है ना। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे कि रिपीटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीज़न तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, डिवीज़न तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे 3.33, इस टाइप से क्या होगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो इन्फिनिटी तक, और ये क्या होगा 3.3 पे पार, मतलब नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा था, रिपीट क्या हो रहा था, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था, ऐसे ये आ रहा ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3.3 पे, ये क्या लगा दिया मैंने बार, यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब यदि ऐसा हो 1 upon 3, तो इसको अपन डिवाइड करते हैं तो ये रिपीट होता, तो इसको अपन क्या लिख देंगे 0.3 पे बार, इसको क्या लिख देंगे अपन 1 upon 3 को अपन लिख देंगे 0.3 पे बार। जो रिपीटिंग वाले नंबर होंगे ये क्या फ्रैक्शन है, ये क्या फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, रैशनल नंबर। अब देखो जो डेसिमल में टर्मिनेटिंग नंबर थे वो क्या बन गए, रैशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर थे उसके कितने पार्ट है, दो पार्ट है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग वाले हैं वो भी क्या है रैशनल नंबर, वो भी क्या है रैशनल नंबर, ठीक है। इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, रैशनल नंबर। अब जो नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे 3.14, ये जो पाई की वैल्यू होती है ना, ये ऐसे, ये भी क्या होती है, नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.15 1501500 1, इस टाइप से, और ये भी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये क्या जो नॉन रिपीटिंग वाले नंबर है वो सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर, ये क्या होंगे, सारे इरेशनल नंबर। अब देखो डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या होंगे, दो टाइप होंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होंगे वो क्या होंगे, सारे रैशनल नंबर होंगे। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग के कितने पार्ट होंगे, दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा रैशनल
मतलब रिपीटिंग वाला और एक होगा नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है। जो रिपीटिंग वाला होगा उसको अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। और ये सारे क्या होंगे, जो रिपीटिंग वाले होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब जो नॉन रिपीटिंग वाले होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है। अब देखो, यदि आपको इस टाइप का कोई नंबर गिवन हो, इस टाइप का नंबर कोई गिवन हो, डेसिमल नंबर है, जैसे ये नंबर आपको गिवन हो 0.567, इसको यदि आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाह रहे हो पी अपॉन क्यू फॉर्म में, तो इसको आप क्या करोगे, 567 अपॉन पॉइंट हटाया यहाँ से 1, 2, 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। यदि ऐसा हो 0.137, तो इसको क्या करोगे आप, 1037 आ जाएगा। जैसे 1.37, तो यहाँ से पॉइंट हटा के 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से इनको आप चेंज कर सकते हो। यदि आपको पॉइंट के बाद में रिपीटिंग वाला नंबर हो, जैसे ऐसा आ जाए 0.3 पे बाद, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो। अब देखो, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं रेशनल नंबर के, इनको आपको क्या करना है, चेंज इन पी क्यू फॉर्म, चेंज इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। और पी एंड क्यू क्या होंगे, यहाँ पे इंटीजर्स होंगे, क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, जो अपने डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की वही चीज़ है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैंने 0.3 पे क्या है, पार। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, ये आपके 9th क्लास में आएगा, फुल आपको सॉल्यूशन सहित वहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में सिखा रहा हूँ, यदि आपके क्वेश्चन आता है तो कैसे करना आपको। देखो, 0.3 होता यदि ऐसा क्या होता, 0.3 विदाउट बार, तो आप इसको लिखते थे 3 पॉइंट के बाद में 1 डिजिट पे बार है, तो 1 डिजिट है तो आप उसको लिखते 3 अपॉन 10। लेकिन अभी यहाँ पे क्या, आपके 0.3 पे क्या है, बार, मतलब कितने डिजिट पे बार है पॉइंट के बाद में। पॉइंट से पहले तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट पे बार है, तो आपको क्या करना है, जितने डिजिट पे बार है उतने अपॉन में क्या लगाने, डिनोमिनेटर में 9 लगाने हैं। तो इसका क्या बन जाएगा, 0.3 पे बार का कि जो न्यूमरेटर है उसको तो लिख दो, और डिनोमिनेटर में कितने 9 लगाने हैं, जितने नंबर पे बार है, तो एक नंबर पे बार है तो क्या लगा दिया हमने, 3 अपॉन 9। क्या करना है, देखो वापस से नंबर लिखना है पहले तो, और कितने नंबर पे बार है, 1 डिजिट पे बार है, तो अपने को कितनी बार 9 लगाना है, 1 टाइम, तो क्या बन गया, 3 अपॉन 9, और इसको कैंसिल करते हैं तो क्या बनता है, 1 अपॉन 3, और 1 अपॉन 3 को अपन डिवाइड करते हैं 1 को 3 से, तो क्या बनता है, 0.3 पे बार। सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.6 पे बार है, तो मैंने अभी आपको एक चीज़ सिखाई थी कि पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले कुछ भी नंबर नहीं है, पॉइंट के बाद में क्या है, 6 पे बार, 1 डिजिट पे बार है, तो अपॉन में कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 9, इसको अपन कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 0.7 पे बार, तो क्या बन जाएगा, 7 अपॉन 9, क्या बना, 7 अपॉन 9। फिर देखो 0.37, क्या बना, 0.37, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट पे बार है, तो क्या बन जाएगा, 37 अपॉन, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो क्या बन जाएगा, 99। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है, तो कितने 9 आ जाएंगे अपॉन में, 9 9 और 9, यहाँ तक तो ईजी था, ठीक है। अब देखो, यहाँ से आप ये तीनों क्वेश्चन समझ लो, इन पे सारा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। फर्स्ट में क्या करना है आपको, देखो 2 डिजिट पे बार है, तो 35 अपॉन 99, क्या बन जाएगा, 35 अपॉन 99, जो अपन पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे थे। अब देखो 6 वाले में अपने को क्या गिवन है, 0.435। अब कितने डिजिट पे बार है, ओनली 2 डिजिट पे बार है, और पॉइंट से पहले कोई भी नंबर गिविन नहीं है, तो अपने को क्या करना है, पहले ये जो नंबर है ना, लाइन खींची। अब देखो कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो 9 कितना आएंगे, 2 बार 9 आ जाएंगे। अब कितने डिजिट पे बार नहीं है पॉइंट के बाद में, 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो उतने क्या कर देने आपको, 0 लगाने, क्या करना है, उतने 0 लगाने, मतलब जितने डिजिट पे बार है उतने क्या लगा देने, 9, और जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने क्या लगा देना अपने को, 0। अब जो नंबर था उसमें से आपको क्या माइनस करना है, जिस नंबर पे बार नहीं है तो उसको क्या कर देना, माइनस, तो क्या बन जाएगा, 431 अपॉन 99
जीरो क्या बन जाएगा, 431/990। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब यहाँ पे क्या है, कितने नंबर पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो क्या आ जाएगा 99। और पॉइंट से पहले जो नंबर पे बार है या नहीं है उससे आपको नहीं देखना है, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट पे बार है तो क्या बन जाएगा 99। अब देखो जो नंबर है उसको लिखो 2343 और उसमें से क्या माइनस करना है, जिस नंबर पे बार नहीं है 23 पे बार नहीं है, बाकी पे तो बार था। अब देखो 23 इसमें से माइनस करोगे तो क्या बनेगा 0223, ठीक है, अपॉन 99, 2320/99। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते हो।